नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन उपरे नजर पकाइबा हेले ता पूर्वरु हेडलाइंस अंगनवाड़ी पिला दिजिव चूना माछ 3-6 वर्ष बयस शिशु गर्भवती और किशोरी को मिल सुविधा पायलट प्रकल्प भाव मयूरभंज 50 अंगनवाड़ी में आरंभ संबलपुर बुलाले चांचल्य पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर संघबद्ध आक्रमण दुई मृत तीन गुरुतर भुजाली में आक्रमण कर दुर्वृत्त फेरार मृतदेह को जबत कर पुलिस तदंत जारी आजु युक्त दुई इनस्टाट परीक्षा 180 केन्द्र में परीक्षा देवे 1390 छात्र छात्री आसंता काली प्राक्टिकाल प्रोजेक्ट पेपर परीक्षा बिहार में मोदी मैजिक एनडीए को मिला स्पष्ट बहुमत 125 आसन में विजय हो संख्या गरिष्ठता हासिल कला एनडीए बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 आसन दुई विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेडी बाजीबात तीर्तोल में बीजेडी को बड़ विजय बालेश्वर आसन को बीजेपी हाथ छड़ाई नहीं बीजेडी दुई विजय प्रार्थी को शुभेच्छा जनइले मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कांग्रेस बड़ विपर्य आज कटक आईटीएटी कार्यालय उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री केन्द्र आईन मंत्री और केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शीतरे थरुची राज्य 10 डिग्री तले 3 सहर सोनपुर सबुठू थंडा सहर पानीपाग केन्द्र सूचना 24 घंटा स्वाभाविक हेब तापमात्रा कमिब थंडा तापमात्रा बढ़िब एवं पंचम थर पर मुंबई इंडियंस आईपीएल चैंपियन फाइनल ने दिल्ली को 5 विकेट हराइला मुंबई 157 रन विजय लक्ष्य को 8 बॉल बाकी थाई कला हासिल दिल्लीर प्रथम टाइटल जितना स्वप्न धूलिशा एणिकि समन्वित शिशु विकास योजना अधीन अंगनवाड़ी केन्द्र में पुष्टि साधन खाद्य तालिकार चूना माछ को सामिल कर 3-6 वर्ष बयस शिशु गर्भवती और प्रसूति महिला और किशोरी व्यवस्था कर पायलट प्रकल्प भाव मयूरभंज जिलार 50 अंगनवाड़ी केन्द्र में यह योजना आरंभ कर पायलट प्रकल्प सफल हेले जिलार अन्य अंगनवाड़ी केन्द्र को प्रसारित आज उन्नयन कमिशनर सुरेश चंद्र महापात्र अध्यक्षतार अनुषित वर्चुआल बैठक में महिला शिशु विकास विभाग और वर्ल्ड फिश मध्य एक बुझाणा पत्र स्वाक्षरित बुझाणा पत्र अनुजाई वर्ल्ड फिश संस्था 5 वर्ष पर्यंत वैषयिक सहायता जोगाई देबो संबलपुर जन असंतोष जमिपटा पाई तहसील ऑफिस घेरिले महानगर निगम 12 नंबर वार्ड बासिंदा संबलपुर महानगर निगम 12 नंबर वार्ड बा हीराकुद अंचल मोहम्मदपुर गड़मुंडा डेंगीमचा आदि बासिंदा हीराकुद नदी बंधर विस्थापित होबार दीर्घ वर्ष पर जमिपटा पाई ना पूर्व अनेक सरकार और प्रशासन पट्टा जोगाई देवाई प्रतिश्रुति जाए 12 नंबर वार्ड बासिंदा स्थायी पट्टा पाई ना या संबलपुर तहसील अफिस् घेराव कर तुरंत जमिपटा प्रदान दावी करते रेंगाली विधायक नाउरी नायक खबर पाई लोकों सह आलोचना कर तहसील कर्तृपक्ष को अवगत करते तेरे ही अंचलवासी स्थायी जमिपटा नथिबारु सरकार को विभिन्न योजन वंचित होता विधायक कहते पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर गोटे पर समस्ती मरणातक आक्रमण अभियोग दुई भाई मृत्यु होता बेले तीन जन गुरुतर होती समस्त गुरुतर बुर्ला मेडिका भर्ती होती घटनाटी बुर्ला सहर को स्तब्ध कर तेरे मेडिका बुर्ला एसडीपीओ शिशु रंजन महापात्र पहुंच गुरुतर को भेटी बा सहित तदंत आरंभ कर घटन संपृक्त कौन से अभियुक्त को गिरफ्त करनी पुलिस सेंट्रल लाइन कॉलोनी रो विषोई परिवार उपरे दीर्घ वर्ष तलरु राग को नहीं संघबद्ध आक्रमण होइछे एथिरे पीतबास विषोई तांको स्त्री संगीता विषोई बड़ पुओ सानो पुओ एवं सळा गुरुतर भावे आहत होइथिले सेमानको मध्यरु चिकित्सित अवस्था रे दुई भाई को मृत्यु होइछि समस्त को भुजाली रे आक्रमण करी दुर्वृत्त माने फेरार होइ जाइछन्ते अधिक आलोचना करने फोन लाइन रे ज्योति नंद आम संबलपुर बुर्ला प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी तेज संबलपुर जो भाई चित्र सामना को आसी ज्योति जो प्रकृत में जो मान को जो पारिवारिक शत्रुता कथा कह एक बेले एत लोक आक्रमण करने प्रकृत कारण कौन हो पाए
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା କିଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଲାଗି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପରିବାରଙ୍କ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 25-30 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉଟା ଯାଇକି ବୁଲୁ ବିଷୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମୁନା ବିଷୟଙ୍କ ଆଜି ସକାଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ବାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, 4 ଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କାର୍କୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ବରଗଡ଼ ସହରର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ କାର୍ ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବୁର୍ଲାକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୁର୍ଲା ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନିଆଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଭାବେ ଆସିଲେ, ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ସେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଇ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଯାହା ଆମେ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନେଇକି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି କେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ତାଙ୍କ କେଉଁ କାରଣ, ସେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି କେଉଁ କାରଣ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମରେ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣବଶତଃ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ତ ଅଟକ ପରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଘୁଷୁରିଆ ବାହାଲ ଗାଁରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବୋଦ ଭୈସା ଓ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କପାଳ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଘାତ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରମୋଦ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଜୁଜୁମରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ରେଗାଳି ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲଝରି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ କୁଳୁମା ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ବେରା ଓ ହେସମୂଳୁ ଗ୍ରାମର ଲୁଲୁ ଦେହୁରୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୁବକ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ କଣିହା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍ ସହ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଛାନଭିନ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଗତକାଲି ଦୁବାଇରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆଉ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗୁଥିଲା ବାଜି। ଏଭଳି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସହରର
तेलीफटा अंचल प्रवेश करी घटनास्थल मोहम्मद जहांगीर हुसैन को गिरफ्त करी निकट नगद 27,250 टंका दुईटी मोबाइल गोटे एटीएम कार्ड पासबुक नोटबुक समेत पॉइंट चार्ट जबत करी आईपीएल बेटिंग को नहीं चारिड़े चर्चा जोर धरता बेले झारसुगुड़ा जिला पुलिस एभली गैंग को ठाब करने को जाल बिछाई तेज पूर्व बेलपहाड़ पुलिस गत 6 तारीख में छत्तीसगढ़ एक गैंग को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर अधिक आलोचना करने आम झारसुगुड़ा प्रतिनिधि सुरेंद्र बारिक आम सहित फोन लाइन में जोड़ी तेज सुरेंद्र जोभली भाव जो वेटिंग कथा अनेक अंचल सामना को आसी जो जहाँकि पुलिस एक चैलेंज रही है समय का आईपीएल फाइनाल मैच थी और झारसुगुड़ा पुलिस एक बड़ सफलता मिली कौन आसुची अपडेट निश्चित भाव निवेदिता एटा गोटे झारसुगुड़ा पुलिस गोटे बड़ सफलता झारसुगुड़ा एसपी राहुल पियाल निर्देश क्रमे झारसुगुड़ा विभिन्न अंचल जेहेतु झारसुगुड़ा पड़ोसी छत्तीसगढ़ लगिक रही झारसुगुड़ा सहर तो छत्तीसगढ़ जुआड़ी मान जो अच्छा ओडिशा को गोटे सुरक्षित स्थान भाव बाछी जेहेतु छत्तीसगढ़ कला अभिमुख ग्रहण कर तो आम किसी दिन आम देखु ओडिशा को ही सुरक्षित स्थान भाव बाछी नहीं पूर्व गत 6 तारीख बेलपार पुलिस छह जन छत्तीसगढ़ जुआड़ी को गिरफ्त कर 1,300 टंका छह जन को गिरफ्त कला गत काली जेहतु गोटे गुरुत्वपूर्ण मैच आईपीएल फाइनाल मैच थी तो तेलीभटा अंचल जन युवक ऑनलाइन बेटिंग कारबार करते विश्वसनीय सूत्र खबर पाला झारसुगुड़ा टाउन पुलिस से जगह को रेड करते रेड कला आज गिरफ्त कर गिरफ्त कोर्ट चालान सूचना प्रदान कर बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र आपंक सूचना तेज जो भाव आईपीएल वेटिंग को नहीं गोटेपटे चर्चा जोर धरता बेले एभली एक गैंग को अर्थात झारसुगुड़ा पुलिस को एक बड़ सफलता मिली जहाँफल कि जाल बिछाई जो एक बड़ राकेट को अर्थात किसी जन को पुलिस गिरफ्त करणे जदि कह टा मोबाइल एवं एटीएम कार्ड पासबुक भाई अनेक सामग्री पुलिस जबत कर आज कटक स्थित आयकर आईपीएल ट्रिब्युनाल आईटीएटी अत्याधुनिक कार्यालय और आवासिक परिसर उद्घाटन हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे यहाँ को उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम में केन्द्र आईन मंत्री केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशा मुख्यमंत्री ओडिशा हाइकोर्ट प्रधान विचारपति तथा विचारपति जोगदे अवसर में आईटीएटी एक ई कम्फर्टेबल बुक प्रकाश पाव आयकर अफिल ट्रिब्युनाल जहाँ आईटीएटी भाव में जनाशुना तेज प्रत्येक टिकस क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण विधि संस्था अटे यार आदेश गुड़िक चूड़ांत भाव में ग्रहण करतमान यार नेतृत्व ने पूर्वतन विचारपति जस्टिस पीपी भट्ट आईटीएटी प्रथम ट्रिब्युनाल थिला जहाँकि जनवरी 25, 1941 सृष्टि होता मद ट्रिब्युनाल भाव में जनाशुना 1941 मसीह तीनो बेचर आरंभ कर दिल्ली बम्बे और कलकत्तर यह बर्तमान 63 बेंच को वृद्धि पाई और 2 सर्किट बेंच भारत 30 शहर में व्यापी तबे विश्वजीत आम सहित जोड़ी कटक रु आम प्रतिनिधि तबे विश्वजीत जो भाव कटक स्थित आयकर आपिलेट ट्रिब्युनाल आज आईटीए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में उद्घाटन हो प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे या को उद्घाटन करिवार जा सूचना आसुची कौन आसुची अपडेट निश्चित भाव देखूँ जहाँ समय रही 4:30 समय से वर्चुअल मध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो नुआकोरी ओडिशा रे प्रथम थर पर ये जो आयकर आपिलेट ट्रिब्युनाल हो तार आज उद्घाटन करें से ही उपस्थित अच्छा आपन को पूरा दृश्य देखेबी आपने देखिपे आम से ही जगह जो अच्छी कार्यालय सम्मुखें आम उपस्थित अच्छा 4:30 जहाँ समय रही उद्घाटन कार्य जो उद्घाटन कार्य प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम उद्घाटन करेंगे से कहींपर चीफ जस्टिस रन्य विचारपति मान रे कह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आईन मंत्री उपस्थित रे जिते बड़े कहींपर जो ओडिशा प्रथम थर पर उद्घाटन होती निश्चित भाव में जो
रही जो मामला गुड़िक रही आमर आयकर से गुड़िक यार ही विचार करा पूर्व देखा 1941 मसीह तीनो जहाँ सूचना रही बॉम्बे दिल्ली और कोलकाता थी एवं 63 बेंच को वृद्धि पाई ओडिशार प्रथम थर होदी कह बे गुरुत्वपूर्ण रण जदि कह टिकस क्षेत्र में यह गोटे गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र कहींपर एवं अनेक जो मामला गुड़िक रही टिकस बाबद को ये शुणी होतीवत भाव में आज प्रधानमंत्री या उद्घाटन करेंगे 4:30 समय रही है मुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे जा सूचना रही तेज विश्वजीत साधारण लोके द्वारा केते प्रभावित हे निश्चित भाव देखु यह एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका आम एपाई कहूँ आप जानते आयकर जो टिकस क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण विधि ग्रहण कर कारण ये आम कौ पूर्व देखा ओडिशा गुटे नाला यह प्रथम थर पर कार्यालय उद्घाटन करी कह पूर्व कलिकतार जो ट्रिब्युनाल कलिकतार आज ओडिशा में विधिवत भाव में उद्घाटन कर लोक निश्चित भाव सुफल पाइबे यादारा एवं जो अनेक कथा कह जो टिकस बाबद जो क्षेत्र रही है जदि बिवाद गुड़िक रही सेगुड़िक यार ही शुणी कराए लोक मैंने बेस उपकृत आशा करता केन्द्र भाव में बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत तेज ये थे आम कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास जिकि आमको अधिक सूचना देते। बारीपदा श्री श्री हरिबलदेव जीव मंदिर सम्मुखें आज दिन 9 घटिकार 9 मिनिट जाए पुणि थे बाजिला घंट घंट बजाई प्रतिवाद स्वर उठाइले मंदिर सेवायत संघ आज 20 नवेम्बर पर्यंत प्रतिदिन 9 समय 9 मिनिट पाई ओडिशार समस्त मठ मंदिर धर्मानुष्ठान सम्मुखें घंट बजाई सरकार को प्रतिवाद जनवाक योजना करिसेंती सेवायत तेज विगत दिन में कोविड नियम को दृष्टि रखी धर्मानुष्ठान गुड़िक खोल जाए खोलिबा मंदिर सेवायत संघ पक्षर बारंबार अनुरोध करा सरकार एमानक कथा न सुनिबारु पूर्वरु एमिति दुई थर मंदिर सम्मुखें घंट बजाई सरकार को प्रतिवाद मध्य करिसेंती। आउ किस कह आजा आपको तो सब विगत दिन में कही सारूँ आम मान दुख दुर्दशा विषय सब जन सारूँ सरकार को मैं जनईचु मध्यवधि सरकार आम विषय चिंता भी करना कि आमर कमी मंदिर खोल जा कि मंदिर कार्यरत सेवायत मान कि साय मिल से दिग्वे चिंता करना तेना बाध्य राजस्ता को आज उल्लेख आउ दिन कईटा पर दीपावली दीपावली को नहीं तत्पर कुंभार परिवार किंतु व्यवसाय हो चिंतार कारीगर खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक बड़परी पंचायत ओहीओरा गाँव में रुहती 60 कुंभार परिवार माटी रे विभिन्न सामग्री तैयारी करी निजर गुजराण मेटाऊ किंतु चलित बर्ष कोरोना कटकणा सबकि सारी टंका नथिबारु धार करज करी एमाने आरंभ करिसेंती दीप तैयारी काम दुर्दिन कुंभाकार परिवार लॉकडाउन परठु व्यवसायी पूरा ठप दीपावली को नहीं जहाँ कि व्यवसाय आशा रही भी मौली जाए सबुपर दीपर स्थान नहीं बजार मोमबती और लिचु लाइट यार चाहिदा बढ़ु माटी दीप बिक्री कमेबारे लगी व्यवसाय कमुवर कुंभार परिवार बे कूल व्यवसाय छाड़े लगी दीप दिने वर्ष सारा रोजगार देउतिला आज ताकि समस्या पलटि सेपटे सरकार प्रोत्साहन अभाव दुर्दिन दिन काटुवा कहते कुंभार परिवार आगको जदि प्रशासन कुंभार परिवार को दृष्टि न दिंती तेब आउ दीप तैयारी करेंगे ना बोली निष्पत्ति नहीं माटी दीप आम बेपार करने चाहू ए बर्ष आउ बेपार सेमती ना चलने बहुत असुविधा हो वर्ष तो सेल होनी आनीस पत्र सब थुआई सेमती आ कौन करू कि ना सरकार आज्ञा आखिपेरा अंध हो जाए दुशुनी आई आमको देवे कि आम ये कष्ट आम जीवन जीव आमको कि पुरुष पुरुष धरी निजर कौलिक वृत्ति कर आसुवा व्यवसाय को रोजगार मध्यम कर पेट पोषुं कुंभार परिवार परिवार महिला और पुरुष मैंने समस्ते मटीदीप या लगिपड़ विभिन्न डिजाइन
माटीदीप प्रस्तुत करी खोर्धा नयागढ़ बालुका बाणपुर आदि जगह को बिक्री पठाई था। जदि सरकार पक्षर अनुदान मिलता आगक कुंभार परिवार आग्रह देखा निजर कौलिक वृत्ति को आगक बढ़ाई पारता। आमे पिलाजुड़ ये सब दीप हांडी माठिया सब करूँ बर्तन ये वर्ष ये कोविड हमारे दीप ये बारन टे बंद हमारे गोटे प्रकार हो ना ना आमको किसी खाया पीया को मिलानी आम भारी हईरा हो पिला छुआ समस्ते ईद कर गरीब प्रजा आम मैंने गवर्नमेंट तरफ जो कि साता कि तो सरकार जो कर कहले जदि हम आम आम तो किसी कह मूर्ख लोक सेलिंग नहीं आख्य जिनस सेलिंग देने सीना आम सीना कम करने आग्रह हूँ आम भुवनेश्वर पर्यटन जाए बाणपुर बालुगा रणपुर सुनाखेड़ा पर्यंत सरकार को जी सहायता था आम तौक पे आम छुआ मैंने आग्रह हाँ आम छुआ मैंने से जो आग्रह ये तो मटी पंक व्यवसाय आग्रह पे ना तेबे कुंभाकार परिवार उपरे सरकारक नजर केबे पड़ुछि ताहा देखिबाकु बाकी रहला। खोर्धारु विक्रम साहूंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पूरी ब्रह्मगिरी मध्य मंदिर न खोलिबाकु नै प्रतिवाद देखा दैछि। शॉपिंग मॉल होटल पार्क बेलाभूमि खोलिला हेले खोलिलानि मंदिर। आठ मास हेबो हातबांधि बसिछन्ति सह सह मंदिर सेवात ओ मंदिर उपरे निर्भर करथुवा व्यक्ति। तुरंत सरकार मंदिर खोलन्तु एवं सेवात मानकु भरण पोषण दियन्तु। एभली अभियोग नहीं आज पूरी सदर ब्लक सिरुली महावीर मंदिर सम्मुखें सेवात पक्षर घंटा घंटी मृदंग बजाई प्रतिवाद करा दैछि। बार बार एभली शांतिपूर्ण प्रतिवाद करुथिले मध्य राज्य सरकार निज मुंडरु दोष छड़ाई दे जिला प्रशासन पदक्षेप को नेबाकु सूचना दैछन्ते। जाकु नै राज्य सरकार को मंदिर खोलिबा अवहेला पदारे पड़िछि। आज युक्त दुई इनस्टांट परीक्षा आरंभ हो तबे आज कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक विभाग थियोरी और 12 तारीख में प्राक्टिकल प्रोजेक्ट पेपर परीक्षा करा जिबो। एकाथरे रेगुलर एक्स रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन छात्र छात्री को परीक्षा हो थियोरी विषय गुड़िकर परीक्षा 10टा आरंभ हो परीक्षा पर सारा राज्य में 180 केन्द्र हो जो 1390 छात्र छात्री अंशग्रहण करेंगे। परीक्षा पर समस्त केन्द्र में पुलिस मुतयन रहा परीक्षा केन्द्र गुड़िक सीसीटीवी लग जा प्रवेश समय फाटक निकट में जपरी भिड़ न हुए से दृष्टि को समस्त परीक्षा केन्द्र सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया जाए छे। मयूरभंज करंजिया ब्लक बांचभणी गोरु बोझे ट्रक जबत एक गाड़ी रे गोरु बोझे हुई चालाण होता बेले आज सका ग्रामवासी द्वारा उद्धार करंजिया पुलिस घटनास्थल पहुंची गाड़ी जबत करने सहित तो गाड़ी में 10टी गोरु को उद्धार कर समस्त करंजिया गोशाला को हस्तांतर कर पुलिस। तेज गाड़ी ड्राइवर हेल्पर घटनास्थल चंपट मारी करंजिया अंचल दिनकू दिन माफिया मैंने अति निर्दय भाव गोरु चलाण कर बारंबार अभियोग प्रशासन एने निष्क्रिय जन असंतोष देखाई तेज पुलिस गाड़ी को थाना अटक रखी गाड़ी नंबर को नहीं तदंत कर। अप्रत्याशित रहिला बिहार निर्वाचन फलाफल नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव को लड़ाई रे एनडीए ही आगरे रहिला। एनडीए 125 टी आसन रे विजयी होई एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करिछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य बिहारवासी को विजय पाई अभिनंदन जणाइबा सह विकास पाई ए विजय निर्णायक बोली कहिछन्ते। 243 सभ्य विशिष्ट विधानसभा संख्या गरिष्ठता पाई 122 आसन दरकार थिबा बेले नीतीश को नेतृत्वाधीन जेडीयू बीजेपी मेंट बा एनडीए 125 टी आसन रे आगुआ रही है। तेजस्वी महामेंट 101 टी आसन रे आगुआ रही। तबे सीधासळख जिबा बीजेपी रो प्रेस मीट उपरे नजर पकाइबा। जनमत प्रकाश पाई ए जनमत को मु नम्रतार सह स्वीकार करुछि एवं सम्मान जनाउछि। दुई निर्वाचन मंडली को आमर दुई दुईटी पार्लियामेंट सेगमेंट तार कार्यकर्ता मानंकु आमे सेठिकु सहयोग करिया पई डाकिथिलु एवं आमर कार्यकर्ता मानंकु मध्य कठोर परिश्रम कठिन परिश्रम करी एभली एक कठिन समय रे घर जाई जो भाव निर्वाचन में सहयोग कले
ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲା କରୋନା ଜନିତ ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଥିଲା। ଏବଂ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେବୁ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ବିଶେଷ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା, ଆମେ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ତାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ତାହା ଏ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ରଣନୀତିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଦାସଖ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି 2-2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ହେବ, କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ପୁରାପୁରି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇ ଠୁକୁଛୁ। ନମସ୍କାର।